आप लोग नहीं विश्वास करेंगे, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि आज के जमाना में इस तरह की राजनीति होती है क्या। लेकिन हम 80 से सक्रिय राजनीति में हैं। 1980 में हम MLA चुनाव के लिए, 1977 में चुनाव के लिए टिकट मांगने के लिए काफी सामने किया था। तो 1977 में MLA का टिकट नहीं मिला, लेकिन 80 में MLA का टिकट मिल गया और चुनाव जीत भी गए। और 83 में 84 में मंत्री में सिंस देन आज तक। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी औरंगाबाद पहुंचे। औरंगाबाद पहुंचते ही जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा कर दिया है। दावा किया है कि एनडीए की सरकार आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव पर 400 सीटों पर उनकी उम्मीदवार जीत हासिल करेगी। आपको बताते चलें कि जीतन राम मांझी औरंगाबाद पहुंचे थे। औरंगाबाद पहुंचते के साथ ही उन्होंने बिहार के लॉ एंड ऑर्डर्स पर भी सवाल उठाया। कहा, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की ओर ले जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान को, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम यानी कि नीतीश कुमार लगातार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर्स खत्म हो रहे हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्या कुछ जीतन राम मांझी औरंगाबाद पहुंचकर बोल रहे हैं, चलिए आपको सुनवा उनकी पूरी बातों को। आप लोग नहीं विश्वास करेंगे, कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि आज के जमाना में इस तरह की राजनीति होती है क्या। लेकिन हम 1980 से सक्रिय राजनीति में हैं। 1980 में हम MLA चुनाव के लिए, 1977 में चुनाव के लिए टिकट मांगने के लिए काफी सामने किया था। तो 1977 में MP का टिकट नहीं मिला, लेकिन 80 में MLA का टिकट मिल गया और चुनाव जीत भी गए। और 83 में 84 में मंत्री में सिंस देन आज तक हम जहाँ इस पार्टी में रहे हैं, ना हमने सीट मांगी, ना हम मंत्री पद मांगा है और ना हम मंत्रालय मांगा है। जो मिल जाता है उसी में हम काम करते हैं। तो अब जब नीतीश कुमार ने कहा कि आप अपने पार्टी को मर्ज कर दीजिए हम में, तो वो हम कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, कहीं बाहर जाइए। तो हम बाहर चले आए। अब बाहर चले आए तो धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, अमित पासवान साहब को, कि तुरंत ही दूसरे दिन उन्होंने किया। हम वहाँ गए और आपने देखा होगा 18 तारीख को इस प्रकार से ऐसे 5 आदमी को सिलेक्ट किया गया प्रधानमंत्री धमके देने के। तो नड्डा के पास बात जीतने मांझी का नंबर आया था। अभी हरी वाजपेयी जी के पुरी पर हम लोग गए, प्रधानमंत्री के बगल में ही हमको लगे, हम भी बैठे। उन्होंने कहा मांझी जी मल्लार्पण कर लीजिए, हम जीते इसीलिए तो अवे किए हैं सर। लेकिन उनका कहने का क्या मतलब हुआ कि इतना तरजीह देते हैं, फिर जब जाने लगे तो पीठ पर हाथ धर के कहिए मांझी जी ठीक है ना, हम अब एकदम ठीक हैं सर। तो मेरा कहने का है इस तरह से हम इसी में खुश हैं। अब पूछेगा क्या ना मिलेगा क्या खुश हो, एक बात होगी चर्चा होगी उसके अनुसार। पीएम मोदी के को लेकर क्या कहेंगे सर? देखिए सामाजिक न्याय, सामाजिक कार्यक्रम में जो सोशल थॉट्स है वो अर्थमेटिकल थॉट्स नहीं होता है। यानी अर्थमेटिक्स में होता है कि 2 जोड़ 2 4 होता है, लेकिन सोशल थॉट्स में होता है 2 जोड़ 2 2 22 भी हो सकता है या 0 भी हो सकता है। तो कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी जी का 9वां साल ये है, ये साल में अच्छे काम हुए हैं, बुरा काम गलत काम हुए हैं। होता है गंगा निकलती है वहाँ हरिद्वार से या गंगी से, तो बंगाल की खाड़ी में जाते जाते कुछ ना कुछ गंदगियाँ आ जाती है। तो उस प्रकार से इनके कार्यकलाप में कोई दोष नहीं है, लेकिन क्रियान्वयन में कहीं ना कहीं कुछ दोष हो जाता है, जिसके चलते भले मुली उठावें। लेकिन दो चीज़ हम कहना चाहते हैं जो हिंदुस्तान को जगत कहलाने के लिए थी, और उस दिशा में नरेंद्र मोदी जी बहुत आगे बढ़े हुए। सबसे पहले देखा होगा को भी उन्होंने कहा और इससे पहले भी कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति व्यवस्था 2014 के पहले कोई नंबर में नहीं था, 14 नंबर में थे कि 15 नंबर में थे कि 16 नंबर में थे। लेकिन 2014-2019 के बीच भारत की आर्थिक व्यवस्था 5वां नंबर,
और अब संपित है कि 2024 आते आते भारत की आर्थिक व्यवस्था 3 नंबर में आ जाएगा। रूस अमेरिका के बाद हिंदुस्तान ही आएगा। ये कितनी बड़ी भी है सोचा जा सकता है। मनमोहन सिंह भी हुए, सब कुछ हुए, सारी बात हुई, लेकिन एक ग्राफ नहीं कभी बढ़ा था। एक चीज़ ये हुआ। और दूसरी बात करते हैं, विदेशों में हमारा सम्मान जो बढ़ा है, हम समझते हैं कि जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी दोनों अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते थे, लेकिन हम समझते हैं कि जो वैदेशिक नीति में सफलता मिली है नरेंद्र मोदी जी को, शायद इन लोगों को भी नहीं मिली है। उसका कारण अगर पूछिएगा तो आज तक हमने नहीं सुनी है। 44 वर्ष से हम राजनीति कर रहे हैं, ऐसे राजनीति बहुत पहले से कर रहे थे, आज 79 वर्ष का उम्र में रहा है, लेकिन नहीं सुना था भारत के प्रधानमंत्री को कोई दूसरे देश का प्रधानमंत्री पैर छू के प्रणाम करता हो। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी बाहर के राष्ट्राध्यक्ष भी पैर छू करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हर तरह से नरेंद्र मोदी जी हम तो सब दिन नीतीश कुमार के साथ भी थे, तो हम बोला करते थे कि शराबबंदी अच्छी चीज, शराबबंदी कीजिए, लेकिन शराब के नाम पर जो नाटक हो रहा है उसको बंद करवा दीजिए। नाटक क्या हो रहा है? पहले तो 3 लाख था, आज 5 लाख जेलों में कानूनी कार्रवाई में फंसे हुए लोग, उसमें 5-3 लाख सिर्फ कास्ट और लोग फंसे हुए हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनका घर व्यवहार का कोई नहीं है, वो जेल में है तो उनके बाल बच्चों को खिलाने पिलाने देखने वाला कोई नहीं है। एक दूसरी चीज़ ये है कि आज विषैला शराब बनाने का एक ट्रेंड, क्योंकि हम कहा करते हैं, आज नहीं है, हम जो उचित बात होती कहवे करते हैं। हमारे घर में भी शराब बनती थी, हमारे पिताजी भी शराब बनाते थे, लेकिन शराब बनाने की प्रक्रिया थी कि 8 दिन लगता था, लेकिन आज तो 2 घंटा में शराब बना देता है। कारण नौसादर दे देता है, यूरिया दे देता है, वो जानवर पहनाने वाली दवा दे देता है, वो तो विषय ही है। तो डर से कि जल्दी जल्दी बनाओ, और लेने वाला भी नहीं देखता है कि बढ़िया है, वो तो जैसे लिया पॉकेट में लिया होगा, बगल में कहूँ पिया, अब पिया तो मर गया। तो ऐसे गरीबों को मारने का बड़ा अच्छा इंतजाम नीतीश कुमार कर रहे हैं, ये शराबबंदी के। तो ये शराबबंदी, अब दूसरी बात ये रहा, बहुत बार हम बोले हैं, यही कहने पर मैं कहता हूँ कि उन्होंने तीसरा समय बात की थी, और तीसरा समीक्षा किया है कि शराब पीने वालों को जेल मत भेजिए, लेकिन जुर्माना लेके छोड़ दीजिए। देखने इतनी गलत बात है कि शराब हम हैं आधा बोतल, हम मजदूरी करके आ रहे हैं, राज मजदूर हम हैं, तो 500 रुपया हमको मिला है, तो आधा बोतल पिए हैं तो हमको 30-40 रुपये में मिल गया है, पी लिया है, और हम पकड़ नहीं दरोगा जी, हम तो कहें जी अब चलिए जेल, ब्रेथ एनालाइजर लगाइए तो पिए हुए तो है ही, तो अपना तो जुर्माना दीजिए, तो जुर्माना कितना दीजिए, 6,000 दीजिए जुर्माना। अब जो 500 रुपया कमा के आ रहा है बेचारा, 4 रुपये से कमा के जमा भी रखा होगा, तो 6,000 उसके पास है, तो निश्चित है 6,000 का वो रसीद भी नहीं कटती है, 6,000 पूरी भी है, जमा होता है कुछ हिसाब से कम में, तो इस तरह से नाटक किया जा रहा है गरीबों के प्रति। तो शराबबंदी के नाम पर यहाँ पर यह है। अब दूसरी चीज़, आज बोधगया चले जाइए, बोधगया का होटल बिजनेस समाप्त हो गया है, बोधे गया का नहीं, और सब जगह जहाँ टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पर लोग आज आना बंद कर दिया है, या नहीं तो आता है और उड़ के चल जाता है बनारस, चल जाता है कलकत्ता, चल जाता है इधर हजारी बार, जहाँ उनको पीने खाने को मिलता है। तो कहने का मेरा मतलब है, जहाँ दूसरे देशों में जहाँ शराब परोसे जाते हैं, तो क्या वहाँ मोरलिटी नहीं है, वहाँ विकास हो रहा है? तो ये तो पाप किए थे 2005 में,
2005 और 2006 में इन्होंने पाप किया था कि घरे घर दारू का दुकान खुलवा दिया था, तो पाप की प्रायश्चित के लिए आज इतना इस तरह से करके लाखों लाख